न्यूमेरिकल मेथड्स में अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड और उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। न्यूटन बैकवर्ड मेथड में और न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में क्या अंतर है यहाँ पर देखते हैं। दो फंक्शन हमने एज्यूम किए हैं यहाँ पे, जैसा कि डिस्कस किया गया था। अगर आप बिल्कुल इनिशियली लेवल पे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, तो बेसिक जब आप फॉरवर्ड देखेंगे तो बैकवर्ड समझने में बहुत आसानी रहेगी। और एग्ज़ाम में बैकवर्ड का प्रूविंग या बैकवर्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं कंपेरिजन टू फॉरवर्ड, बट फॉरवर्ड ईजी है, बैकवर्ड टफ तब लगेगा जब आप फॉरवर्ड नहीं समझेंगे। जैसा कि पहले डिस्कस किया गया है कि क्वेश्चन जब भी इंटरपोलेशन का आता है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा मेथड लगेगा। तो इक्वल इंटरवल्स के लिए अलग मेथड है, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए अलग मेथड है, इक्वल इंटरवल्स के लिए दो मेथड है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब भी क्वेश्चन दिया गया हो अगर इंटरपोलेशन जिस वैल्यू के लिए करना है वो टेबल के ऊपर से मैच खाता है तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे, अगर टेबल के नीचे से मैच खाता है तो बैकवर्ड करेंगे। सबसे पहले जब भी प्रूव करते हैं तो एक पॉलीनोमियल खुद से एज्यूम करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमने दो पॉलीनोमियल एज्यूम किए हैं। जब आप प्रूविंग फॉरवर्ड की देखेंगे तो वहाँ पर हमने पॉलीनोमियल जो एज्यूम की थी वो ये वाली एज्यूम की थी। कहने का मतलब हमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए एन, ये हमारे अननोन कांस्टेंट हैं। अभी जो इनिशियल इनपुट्स की करस्पॉन्डिंग आउटपुट दिए गए थे, जो टेबल हमें दी गई थी, उनकी हेल्प से हम इन अननोन कांस्टेंट की वैल्यू उनके टर्म में ले आएंगे, वो हमारा प्रूविंग हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस ए, x माइनस ए प्लस एच, यानी कि डेटा जो इनिशियल में हमें दिया गया है एक इक्वल इंटरवल में, सबसे इनिशियल वैल्यू a दी गई है, फिर a प्लस एच दी गई है, फिर a प्लस टू एच दी गई, a प्लस एन एच दी गई है। तो हमने फार्मूला भी या ये जो पॉलीनोमियल इसी तरीके से कंसीडर किया। अब बैकवर्ड का जब प्रूविंग करेंगे तो हम पहले से इनिशियली लास्ट वाली वैल्यू जो a प्लस एन एच है उसको यहाँ से डिफरेंस लेंगे इस जगह, और फिर यहाँ पर a प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस एच, मतलब पीछे से चलते चले आएंगे, लास्ट वाली वैल्यू का x से डिफरेंस लेंगे, फिर और ये लास्ट में। तो इस तरीके से जब आप पॉलीनोमियल कंसीडर करोगे तब जाके बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, इनिशियली हमें यहाँ आना लेके ऐसे करना, क्योंकि बैकवर्ड्स जाना है, पीछे जाना टेबल के नियर, ठीक, इसलिए ओके। तो ये वाला लिया था, समझ आया ना? ठीक। तो यहाँ दो पॉलीनोमियल कंसीडर की गई हैं, इस वाली पॉलीनोमियल हम हटा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन प्रूफ नहीं करना है, बैकवर्ड करना है। तो हमने इनिशियली ये एज्यूम किया है, और बैकवर्ड लगाएं कब, जब भी आप इंटरपोलेशन जिस वैल्यू के लिए लेंगे वो वैल्यू अगर टेबल के नीचे या मतलब पीछे से लास्ट से ज़्यादा करीब है तो आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे दो टेबल कंसीडर किए हैं इनिशियली, हमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो टेबल ऐसी दी गई होगी, ए ए पर एफ ऑफ ए, ए प्लस एच पे एफ ऑफ ए प्लस एच, और ए प्लस एन एच पे एफ ऑफ ए प्लस एन एच। टेबल आपको ऐसी दी गई, बैकवर्ड आपको लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा कम टाइम में लगे, इजली चीज़ें कैलकुलेट हो, आप टेबल को उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब जो लास्ट में दिया गया था उसको आप पहले मान लीजिए, इसको इनिशियल वैल्यू मानी a प्लस एन एच को, और उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस वन एन एच को सेकेंड वैल्यू मान लें, सेकेंड इनपुट मान लें, और इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब कहने का मतलब आपने क्या किया, ऐसे टेबल दी गई थी, टेबल को आपने पलट दिया, यानी इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ए प्लस एन एच। तो अब हमने x की जगह क्या पुट किया, ए प्लस एन एच, तो यहाँ पर ए प्लस एन एच पुट करेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे, तो ए प्लस एन एच कैंसिल हो जाएगा, सभी में ए प्लस एन एच है, तो सारे कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने ए प्लस एन एच मानी है, और उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो ए नॉट की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई, ऐसे ही ए वन, ए टू, ए थ्री को हम लोग इवैल्यूएट कर लेंगे और वापस दोबारा फार्मूले में रख देंगे। तो जब हमने x की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन एच रखी यहाँ पर, तो उसी तरीके से जैसे कि पिछला टर्म कैलकुलेट किया था, तो x की जगह a प्लस एन माइनस वन एच रखेंगे, जिसको बुक्स ऐसे भी लिखती है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, a प्लस एन एच माइनस एच वो लोग ऐसे लिखते हैं, उसको हमने ब्रैकेट में लिख के रखा है जिससे कि आपको पता चलता रहा कि एन माइनस टू हो रहा है, एन माइनस थ्री हो रहा है, जिससे कि पता चलता रहा कि कितना घट रहा है और किस टर्म पे हैं हम लोग। तो यहाँ पे a नॉट और a वन, a वन की जगह यहाँ पर रखेंगे a प्लस एन माइनस वन एच, तो यहाँ रखा है और इसको जब डिफरेंस किया, बाकी सभी में क्या आएगा, एक फैक्टर ज़रूर आएगा,
A2 वाले में भी यही फैक्टर आएगा और A3 वाले में भी यही फैक्टर आएगा। तो आप जहाँ पर भी इस फैक्टर को रखेंगे, जहाँ पर भी इस फैक्टर को रखेंगे, तो ये तो कैलकुलेट हो ही चुका है क्योंकि वैल्यू इनिशियली दी गई है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच ए नॉट। अब यहाँ देखिए, इसको ओपन किया, जस्ट कैलकुलेशन आपको दिखाया है, तो फाइनली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इस वाले स्टेप पे आपको केवल आपको ये रखना है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे फंक्शन जो है ज़ूम किया है तो उसमें वो टफ नहीं है, केवल आपके सामने पढ़ रहा है, बट आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक आ जाएंगे, ये केवल सिंप्लीफाई किया गया कैलकुलेशन को। अब हम एक बार देख लेते हैं कि फॉरवर्ड डेल्टा का मतलब है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। कहने का मतलब, टेबल में अगर आप जाते हैं, ए दिया गया, ए प्लस एच दिया गया है, ए प्लस टू एच दिया गया है एक्स की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अंदर आ जाओ, क्या दिक्कत है, टू एच। तो फॉरवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए लगाया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए किया गया है, इस वाले का इससे डिफरेंस किया गया, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू का एफ ऑफ ए से किया गया। फॉरवर्ड मतलब आगे जाके जो वैल्यू है उससे पीछे वाली वैल्यू का डिफरेंस लिया जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस, आगे जाके पीछे वाली से वैल्यू से डिफरेंस। बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए लगाते हैं, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच लगाएंगे, तो देखो एफ ऑफ ए में बैकवर्ड डेल्टा लगाया, तो एफ ऑफ ए से ही उससे पहले वाले से डिफरेंस। यहाँ पर लगाएंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच से एफ ऑफ ए का डिफरेंस, ठीक। तो बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए लगाया, तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए माइनस एच का डिफरेंस लिया, ये तो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे बैकवर्ड डेल्टा क्या हो जाएगा, ए वन बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए बैकवर्ड डेल्टा, बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल वन एच, ये कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग ए टू इवैल्यूएट करेंगे, फिर ए थ्री करेंगे, फिर सिमिलरली ए एन बी कैलकुलेट कर लेंगे। पढ़ा दे, क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, कभी इन्हें पढ़ाया नहीं, पढ़ा नहीं। थर्ड ईयर में हो तुम, थर्ड ईयर में हो, तुम्हारे लिए ये तो नहीं, थर्ड ईयर कर चुके हो कि हो, है तो पढ़ो फिर, तो फिर तो पढ़ो भाई, है? सबसे ज़्यादा यहाँ कौन पढ़ा रहा मन से बताइए, हैं? सबसे ज़्यादा मन से मैं पढ़ रहा हूँ, समझे कि नहीं, जबकि देखा जाए तो, हैं? सबसे ज़्यादा मैं मन से पढ़ रहा हूँ, ठीक। सबसे कम मुझे समझ में आता है, मुझे अगर समझ में आ गया तो मतलब मैं समझता हूँ कि सबको आ गया, ठीक। तो अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हैं? अब क्या पुट करेंगे बताइए, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस टू एच रखेंगे। तो सिमिलरली वही चीज़ है, यहाँ पे दिया गया होगा तो इस फंक्शन पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस एन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। यहाँ पर ए नॉट आ ही चुका है, जब यहाँ पे रखेंगे तो देखो, यहाँ रखेंगे, रख के एक बार देख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस टू एच माइनस ए प्लस एन एच होगा। आगे जाएंगे ए टू के साथ, तो इस वाले में रखेंगे तो एक्स की जगह रखने जा रहे हैं ए प्लस एन माइनस टू एच माइनस ए प्लस एन एच, और फिर आगे ए प्लस एन माइनस टू रखा है, और माइनस किससे डिफरेंस लेंगे, एन माइनस वन एच से, ठीक। और ए थ्री में रखेंगे तो आप देख ही रहे हैं, ए थ्री में रखेंगे ये वाला, तो इस वाले टर्म से वो क्या होगा, कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा। तो जब भी ए थ्री के ऊपर जाएंगे या ए थ्री में जाएंगे, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये एक्सप्रेशन यहीं तक जाएगी, तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच बराबर ए नॉट। अब इसको वॉच करें, ऑब्जर्व करें, तो देखिए ए से ए कैंसिल होगा, एन एच से इस एन एच से एन एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस टू एच, क्या आ जाएगा, ध्यान दें, ए से ए कैंसिल होगा और एन एच से ये एन एच से एन एच कैंसिल होगा, तो माइनस टू एच, तो माइनस टू एच ए वन आ जाएगा, ओके। ए टू के लिए ए से ए कैंसिल और एन एस से एन एस कैंसिल, तो माइनस टू एच यहाँ आया, तो माइनस टू एच यहाँ आ गया, और ए से ए कैंसिल, एन एस से एन एस कैंसिल, माइनस टू एच और प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, नहीं नहीं माइनस टू एच और
प्लस एच तो माइनस एच, इतना आ गया। तो आगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच बराबर ए नॉट माइनस टू एच ए वन, और ये प्लस है माइनस प्लस ए टू टू एच स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन को जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे बढ़ा रहे हैं, और सारे स्टेप्स को इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए सॉल्यूशन और प्रूविंग बुक्स में दी होती है, क्लियर क्यों नहीं होती है कि आप सारे स्टेप्स को समझ नहीं पाते हैं, या वो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि कुछ नया लेके आ रहे हैं, उद्देश्य ये है कि जो आप चीज़ को वो डायरेक्टली कर रहे होते हैं बुक्स में वो पूरी पूरी यहाँ पे समझ में आया। तो सारे स्टेप्स को हमने दोबारा फिर से लिखा, एक एक स्टेप को लिखा है कि देखिए ये वाले लिखा है दोबारा, फिर उसको हमने इस वाले टर्म को यहीं रोक रखा है, ये सारे हमने इधर ले गए तो इसको इस साइड लिख दिया है, फिर ए नॉट की जो वैल्यू निकाली थी वो रखी, ए वन की जो वैल्यू निकाली वो रखी, फिर सिंप्लीफाई किया है, फिर हमने एडजस्ट किया है, फाइनली यहाँ तक आ गए। यहाँ तक अभी कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया गया, उस वाले स्टेप से लेके अभी तक हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं किया। अब आगे जो करेंगे उसको ध्यान देना। तो अभी जहाँ पे हमने स्टेप को छोड़ा था वहीं से ले रहे हैं फिर से, ये सारे स्टेप्स पीछे लिखी गई थी, इसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, इसको रीअरेंज किया है एफ ऑफ ए प्लस एन एच के साथ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच ले जा रहे हैं, मतलब इसका एक साथ ले जा रहे हैं, फिर माइनस कॉमन लिया, तो देखो ये माइनस था एक यहाँ ले लिया इसका, एक माइनस यहाँ ले लिया, दोनों यहाँ पे एडजस्ट हुए, और ये माइनस देखो प्लस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमने रीअरेंज कर दिया फार्मूले लगाने के लिए। अब एफ ऑफ ए प्लस एन एच से एफ ऑफ ए ए प्लस एन माइनस वन एच घटेगा लास्ट वाली वैल्यू से, उससे ऊपर वाली वैल्यू घटेगी, तो बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ जाएगा। कहने का मतलब अगर एफ ऑफ ए प्लस एच से एफ ऑफ ए घटेगा तो बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और इसको लिख सकते हैं बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए माइनस एन एच, फिर डेल्टा हमने कॉमन लिया, अब इसमें और इसमें लगाएंगे तो फिर बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि हमने अभी देखा है ए नॉट ए वन ए टू की वैल्यूज अभी हमने निकालनी है बैकवर्ड डेल्टा के टर्म में, तो यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया, पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो ए एन जब लिखने जाएंगे तो देखो ए टू के लिए बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर आया, ए वन के लिए बैकवर्ड डेल्टा आया, तो ए एन के लिए बैकवर्ड डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन, अब यहाँ फैक्टोरियल टू आया है तो ए एन के लिए क्या आएगा फैक्टोरियल एन और एच की पावर एन। तो हमारे सारे अननोन जो थे ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन बैकवर्ड डेल्टा के टर्म में आ गए, तो इसीलिए अब जो हमारा पॉलीनोमियल हमने अज्यूम किया था वहाँ पे ए नॉट ए वन और ए एन की वैल्यू वापस बैकवर्ड डेल्टा के टर्म में हम लोग रख देंगे तो हमारा पूरा फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो इनिशियली जो हमने फार्मूला या पॉलीनोमियल कंसीडर किया था वो ये था जो आपके सामने लिखा गया है। अब हम लोग ए नॉट ए वन ए टू और ए एन जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट की वैल्यू इनपुट जो दिए गए उनके टर्म में, आउटपुट जो दिए गए थे उनके टर्म में हमने या बैकवर्ड डेल्टा के इन्वॉल्वमेंट में निकाल ली, वो हमने यहाँ रख दी वापस। देखिए ए नॉट की जगह क्या रख दिया है एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए वन की जगह हमने प्रूव किया था बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल एच स्क्वायर, हर जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो अब हमें देखा जाए तो जब भी हम कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये सारे चीज़ें पता हैं तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। लास्ट में फॉर्मूले को हम पी के टर्म में लाते हैं तो यहाँ पे इनिशियली क्या माना है, पी बराबर एक्स माइनस ए प्लस एन एच, बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगा रहे हैं तो एक्स का डिफरेंस हम ए प्लस एन एच यानी कि टेबल में सबसे लास्ट वाली वैल्यू दी होती है उसको इनिशियल वैल्यू मान रहे हैं, जैसा कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में किया था, यानी जिस पर इंटरपोलेशन करना है जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है उसको हम एक्स मानेंगे, और टेबल में जो सबसे पहला इनपुट है एक्स नॉट उससे डिफरेंस लेते हैं, और जो साइज ऑफ द इंटरवल है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन एच ये मानते थे। यहाँ पर हमने क्या किया है जिस पर इंटरपोलेशन करना है और टेबल की सबसे लास्ट वैल्यू उससे डिफरेंस लिया है अपॉन एच किया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं पी एच बराबर एक्स माइनस ए माइनस एन एच। अब देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच की जगह तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया एक्स माइनस ए प्लस एन एच की जगह पी एच रख दिया, यानी जहाँ पर भी एक्स माइनस ए प्लस एन एच होगा वहाँ क्या रख देंगे पी एच। अब एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच को कैसे लिखेंगे, हमने इसको देखो ओपन कर दिया तो एक्स माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच आ गया, जब ओपन करेंगे इतनी वैल्यू
के लिए हमने क्या लिया है, पीएच। तो पीएच प्लस एच तो क्या आ जाएगा, पी प्लस वन एच। तो अब अगर सिमिलरली एक्स प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस टू एच को अगर लिखना चाहें, तो जैसे यहाँ पी प्लस वन एच लिखा है तो आपको दिखेगा यहाँ पी प्लस टू एच आ जाएगा, ठीक है, पी प्लस एन एच आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करें, फार्मूले में पी के टर्म में अभी फार्मूला लिखते हैं, रिराइट करते हैं केस कैसे लिखा जाएगा। तो अभी जो पी के टर्म में देखा है उसको हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। तो जो हमारी पॉलिनोमियल आई इसको तो सीधे ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस, तो यहाँ पे पी एच रख देंगे, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा पी अपॉन फैक्टोरियल वन बैकवर्ड डेल्टा, बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। फिर यहाँ यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एच और ये हो जाएगा पी प्लस वन एच। तो ये एच और ये एच से क्या एच कैंसिल हो गया, तो पी पी प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू हो जाएगा, पी पी प्लस वन इसको आगे लिख दिया, पी और इस पी प्लस वन को आगे लिख दिया, और बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक, अगर थर्ड टर्म लिखने जाएं तो पी पी प्लस वन और पी प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। थर्ड टर्म के लिए ऐसा लिखा तो nth टर्म के लिए लिखेंगे, तो पी पी प्लस वन पी प्लस टू, देखो थर्ड टर्म के लिए हम यहाँ टू तक गए थे, तो nth टर्म के लिए फैक्टोरियल n तो होगा ही होगा क्योंकि थर्ड टर्म में फैक्टो तो n हो गया, यहाँ पे p प्लस एन माइनस वन ये हो जाएगा, और बैकवर्ड डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच। जो अब फाइनली आपके पास फार्मूला है वो बैकवर्ड इंटरपोलेशन है फॉर इक्वल इंटरवल्स। आप इसका प्रूविंग को समझें और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को भी लगा पाएँ। और प्रूविंग हमने दोनों करा दिए, फॉरवर्ड वाली भी और बैकवर्ड वाली भी। तो अच्छा हाँ, डेल्टा की पावर एन कर लें, इतना समझ गए।